हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल तो गाइज अगर आप इन टीसीएस के कैंडिडेट हो और गाइज अभी तक आपके ज्वाइनिंग लेटर जनरेट नहीं हो रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हो तो गाइज इस दौरान टीसीएस की तरफ से एक सबसे बड़ी अपडेट गाइज देखी जा रही है और जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं अपने ज्वाइनिंग के लिए उनके पास गाइड फीडबैक पे सबसे बिगेस्ट अपडेट गाइज देखी जा रही है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स देखने वाले हैं और गाइज आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला कि फीडबैक जो आपको देखने को मिल रहा है कहाँ से गाइज आप लोग देख सकते हो कैसे गाइज आप उसको सर्वे कर सकते हो इसका मतलब क्या है क्या अगर आप फीडबैक अगर आप फीडबैक नहीं देते हो तो क्या आपके ज्वानी में कुछ इश्यू क्रिएट होने वाला है या आपके जो ज्वानी होता है एज यूजल हमेशा की तो तरह आगे वैसे होता रहेगा तो एवरीथिंग गाइज आपको इस वीडियो में देखने वाले हो तो भाई ये वीडियो आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट गाइज होने जा रही है तो भाई अगर आपको भी इसको लेकर डाउट है फीडबैक पे आपको कुछ अपडेट नहीं पता है तो इस वीडियो को विदाउट एंड तक देखना भाई आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने जा रहा है गाज. और जो भी गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ वो गाइज आप लोग के लिए वेरी वेरी यूजफुल गाइज रहने वाली है तो चलिए चलिएगा वीडियो का स्टार्ट करते हैं उससे पहले गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो गाइज अगर अभी टीसीएस के कैंडिडेट हो तो गाइज आप लोगों के लिए फीडबैक पे सबसे बड़ी अपडेट टीसीएस की तरफ से देखी जा रही है जो कि गाइज आप लोग टी सी एस नेक्ट स्टेप पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हो आपको फीडबैक फॉर्म ऑप्शन में आपको यहाँ फीडबैक के बारे में एवरीथिंग बताया गया तो क्या ये गाइज आपके ज्वाइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है सब कुछ गाइज आपको बताने वाला हो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो कि फीडबैक फॉर्म को स्किप कर दिए तो उनकी एक डाउट है और वो टेंशन में है कि सर मैंने अगर स्किप कर दिया तो क्या मेरे को तो ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी या इसमें कुछ डिले होगा तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये आपके फीडबैक फॉर्म का ऑप्शन है जहां पे जब क्लिक करोगे गाइज आपको फीडबैक का यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा डियर कैंडिडेट बी एट हैव एन अनकम्प्रोमाइजिंग डिटर्मिनेशन टू अचीव एक्सीलेंस इन एवरी थिंग बी डू बी डिलीवर आवर प्रोमिस ऑफ सर्टेंटी एवरी टास्क बी वर्क इन पार्टनरशिप विथ आवर स्टेक होल्डर यू आर वन ऑफ द की स्टेक होल्डर एंड बी वुड लाइक यू टू शेयर योर फीडबैक विथ अस तो गाई आपको क्या करना है अभी तक जो भी आपके हायरिंग प्रोसेस में आपने कम्प्लीट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग आई आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है गाई कुछ ये क्वेश्चन पूछेंगे उसको गाई आपको रिप्लाई देना होगा इसके लिए गाई इन्होंने स्केल रखा हुआ है कि एक से पाँच के स्केल में रहेंगे जहाँ पर गाई आपको देखने को मिल जाएगा टी सी एस नेक् स्टेप पोर्टल प्रोसेस एंड टी सी एस नेक स्टेप पोर्टल अंडर बिलो पैरामीटर इस पैरामीटर में गाइज आपको सब कुछ बताना है गाइज अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बताना है जहां पे फर्स्ट गाइज आपको देखने को मिलेंगे फिर सेकेंड गाइज देखने को मिलेगा सेटिसफेक्ट्री कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट नीडेड थर्ड गुड माइनर इंप्रूवमेंट कैन बी मेड वेरी गुड मिट्स एक्सपेक्टेशन एक्सीलेंट एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन इस टाइप से गाइज आपको स्केल देखने को मिलेंगे आपको इसमें से गाइज आपको रिप्लाई देना है और एवरीथिंग आपको डिटेल्स बताना है और रही क्या आपके ये ज्वाइनिंग पे इफेक्ट डालेगी या नहीं डालेगी तो गाइज़ आपको इससे ज्वाइनिंग पे कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं होने वाली है गाइज़ तो आप लोग डोंट वरी नॉट इश्यू क्रिएट गाइज़ तो आपको जस्ट एज अ फीडबैक अपना एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस शेयर करना है गाय ताकि आगे वो अपनी जो हायरिंग प्रोसेस है उसको इंप्रूवमेंट कर सके इसलिए गाइज फीडबैक का मेल आप लोग के पास देखने को मिल रहा है तो डोंट वरी गाइज आप लोग के जो ज्वाइनिंग है ये डेली बेसिस पे ये आपके पास अपडेट टीचर्स की तरफ से भेजा जा रहा है ज्वाइनिंग पे तो वेट करो गाइज आप लोग को भी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी अभी फिलहाल में नवंबर मंथ के लिए न्यू डेट अनाउंस हो चुकी है सात नवंबर को कुछ कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होने जा रही है तो सीएम आदिति गाय जो बचे हुए उनके भी आने वाले कुछ दिनों में ज्वाइनिंग हो जाएगी तो वेट कर लो गाइड और फीडबैक को लेकर ज्यादा आप लोगों तो को टेंशन नहीं रहना है तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन पिंग इन द कमेंट बॉक्स तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय